आप सब कुक विद मोनिका मारवा मारवा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं नवरात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल लड्डू लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं, जो पूरा दिन हमें एनर्जी देते हैं। चलो देर ना करते हुए अब हम बनाते हैं नवरात्रों के लिए स्पेशल लड्डू। सबसे पहले हम एक कटोरी के करीब नारियल ले लेंगे। ये नारियल का बुरादा है। एक कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिया है। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं। एक कटोरी के करीब मैंने मूंगफली ले ली है और एक कटोरी के करीब मैंने चीनी ली है और एक छोटा गिलास के करीब मैंने दूध ले लिया है। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम एक कटोरी के करीब मूंगफली डाल लेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको अच्छे से हम चला लेंगे। जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको चलाएंगे। अब मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब ये मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है, इसके मैंने छिलके भी निकाल दिए हैं। इसको अब हम एक चूरा सा बना लेंगे। अब ये चूरा बनकर तैयार है। एक कटोरी के करीब ड्राई फ्रूट लिए थे, इसको मैं मिक्सी के जार के अंदर डालकर इसका एक चूरा सा बना लूँगी। ड्राई फ्रूट का मैंने चूरा सा बना लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई अब हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक चम्मच के करीब घी डाल देंगे और इसको हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर नारियल डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम चलाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको बस थोड़ा सा ही हम चला लेंगे। इसको बस थोड़ा सा ही चलाना है क्योंकि नारियल के अंदर भी घी होता है, इसलिए हमने 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर घी डाला है क्योंकि नारियल के अंदर अपना भी एक तेल होता है। इसको बस हम 2 से 3 मिनट ही चलाएंगे क्योंकि नारियल के अंदर अपना एक तेल होता है, इसलिए हमने इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच के करीब ही घी डाला था। इसको बस 2 से 3 मिनट हम चला लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने। अब हम इसके अंदर एक कप के करीब हम दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। इसको चलाते जाना है, ये नीचे नहीं लगे, इसलिए इसको हम चलाएंगे। के अंदर जो हमने मूंगफली का चूरा बनाया था उसको डाल देंगे और अच्छे से हम इसको चला लेंगे। साथ ही हम ड्राई फ्रूट का चूरा भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे, उसको भी अच्छे से हम चला लेंगे। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट हम और चलाएंगे जब तक ये मिक्सर थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसको अच्छे से हमें चलाते जाना है कि यह कढ़ाई के नीचे नहीं लगे। इसको कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। धीरे धीरे करके ये मिक्सर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस 1 से 2 मिनट अब हम इसको और चलाएंगे। अब इस मिक्सर ने कढ़ाई की साइडें छोड़नी शुरू कर दी हैं। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको बस 1 से 2 मिनट और चलाकर हम इस गैस को बंद कर देंगे। सिर्फ मीडियम ही रखा है, उसी पे इसको हमने चलाते जाना है। इसको कंटिन्यू हमने चलाना है। अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और इसके हम लड्डू बनाएंगे। ये मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों के ऊपर तेल लगा लेंगे। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। जितना आपको बड़ा लड्डू बनाना है आप उतना ही ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम नारियल का जो चूर बुरादा है उसको भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ऐसे करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। छोटा बड़ा जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये नवरात्रों में बहुत ही अच्छा खाने में लगता है और पूरा दिन हमें एक लड्डू खा लेंगे तो ये हमें पूरा दिन एनर्जी देता है और हमें भूख भी नहीं ज़्यादा लगती। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। अब
ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको यह मेरे लड्डू पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।